नमस्ते सभी को। तो अभी मैं संदीप भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात को रखे। संदीप भैया, मैं थोड़ा आपका परिचय रखना चाहता हूँ। भैया अभी जो सेंटर है, यूएचवी लिविंग सेंटर, वहाँ पे रहते हैं। भैया के जो पारिवारिक कुछ समस्या थी, तो उसे भगवान भैया ने यूएचवी के माध्यम से उसको उसका समाधान उनको उन तक पहुँचाया है। तो अभी इस संदीप भैया भी जुड़े हुए हैं और शायद उनकी चौथी शेयरिंग है। तो भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात को रखें। संदीप भैया जी भैया, जी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम संदीप बिलथरे है और मैं परिवार सहित यूएचवी लिविंग सेंटर नौगांव में 1.5 साल, लगभग 2 साल होने वाले हैं जब से मैं अपने गुरु श्री भगवान सिंह परमार जी के साथ रह रहा हूँ। मेरे पिताजी के सर से 25 साल पुराने संबंधों के चलते सर के द्वारा ही मेरी शादी अगस्त 2022 में कराई गई थी। तभी से हम लोग सेंटर में ही रह रहे हैं। तभी से मैं यूएचबी से जुड़ा हूँ और मैंने एक वर्कशॉप भी फरवरी 2023 में कानपुर में किया है। वहाँ मुझे पूजनीय गुरुजी श्री गणेश बागड़िया जी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था और यूएचबी से जुड़कर मुझ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और बहुत चीज़ों की स्पष्टता बनी है। तो एक तो मैं काफ़ी जगह भयमुक्त हुआ हूँ। जब से मुझे यूएचबी के माध्यम से यह स्पष्टता बनी है कि शरीर और चैतन्य दो अलग इकाई हैं, शरीर की आवश्यकता अलग है, चैतन्य की आवश्यकता अलग है, और शरीर नश्वर तो है जिसका बनना मिटना लगा हुआ है, जड़ इकाई है, और चैतन्य अमृत को प्राप्त है, चैतन्य कभी मरता नहीं है। तो मेरे अंदर बहुत प्राणमय डले थे जिनसे मैं मुक्त हुआ हूँ। तो पहले तो मैं खेती में नहीं घुसता था, लगता था कोई कीड़ा काट लेगा तो, और कोई भी सर्दी खांसी बीमारी होती थी तुरंत डॉक्टर के पास जाता था। लेकिन अब मैं भयमुक्त होने के साथ प्राकृतिक सब्जियां और यहाँ के काढ़े और जड़ी बूटियों से स्वयं को ठीक और स्वस्थ रख पाता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो उस समय यहाँ मैं अपने को पूर्णतः स्वस्थ नहीं रख पाता था, लेकिन अब मैं स्वस्थ रख पाता हूँ। वहीं कोई ना कोई दवाई ना कोई टेबलेट मैंने 1.5 साल से नहीं खाई है। ये मेरा बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं पहले यहाँ आने से घर पर था, जब मैं 10-11 बजे तक सोता था दिन में, और जब तक मन हो तब तक सोता था। लेकिन यहाँ आकर मैं 6 बजे या 5:30 बजे उठने लगा हूँ। और मैं पहले कोई काम भी नहीं करता था, पानी भी पीना है तो माँ से कहता था कि मैं पानी दो। मेरा घर पर कोई काम नहीं था, बस इतना था कि सोना, जब मर्जी तब उठना, घूम घाम के आना, फिर आराम करना, टीवी देखना, यही बस मेरी दिनचर्या थी। लेकिन जब से यूएचबी से जुड़ा तो मैं खुद हैरान हुआ हूँ अपने इतने सारे परिवर्तन देखकर कि मैं अपने अब तो स्वयं काम भी करने लगा हूँ और संस्थागत कार्य जो भी होते हैं तो वो वर्क भी मैं करता हूँ। और हमारे सेंटर में हर सप्ताह रविवार को परिवार सभा होती है जिसमें 20 से 30 परिवार और कभी कभी और ज्यादा परिवार भी आ जाते हैं, जिन परिवार सभा को सर के माध्यम से संचालित किया जाता है। परिवार सभा में हम लोग सर यूएचबी पढ़ाते हैं एवं उनका परिवारों का मूल्यांकन भी होता है। और अभी अक्टूबर में हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा का भी यहाँ शिविर लगाया था ताकि यूएचबी के द्वारा प्रकृति की हमारे लोगों को पूरकता का पता चल सके जो शिविर में आए। और रोज शाम को अभ्यास सत्र भी हम लोग सेंटर में संचालित करते हैं जिसमें हम 2 परिवार रोज यूएचबी का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। और मुझे जो नौ भाव है उनके अर्थ को पहले मैं कुछ और ही अर्थ देता था, लेकिन यूएचबी से जुड़कर मैंने उनको ठीक से समझा और अपने में जांचा, जिसमें पहला आधार मूल्य विश्वास मूल्य से लेकर पूर्ण मूल्य प्रेम तक, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और पूर्ण मूल्य प्रेम, मैंने इन मूल्यों को सही अर्थ में समझा है और चारों स्तर की व्यवस्थाओं को समझा है, प्रकृति की चारों अवस्थाओं को भी समझा है एवं इनकी चक्रियता, परस्पर पूरकता के संबंध को भी समझा है। और यहाँ सेंटर में प्रकृति से प्राप्त पेड़ों से नए नए प्रकार की हम लोग चटनी जैसे फूल हैं, फल हैं, प्राकृतिक सब्जियां बनाते हैं, अभी मुरब्बा बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने आंवले की मिठाई भी बनाई है। ऐसे नए नए
चीजें बनाते हैं और प्रयोग करते हैं, और साथ में स्वावलंबन का काम भी हम लोग करते हैं एवं अपना काम अब करने लगे हैं। और सेंटर में हम लोगों ने खेत में सब्जियां लगाई हैं जो कि तैयार होने वाली हैं। 4-5 प्रकार के काढ़े भी हम लोग बनाते हैं। साथ ही जिस किसी को जन्मदिन मनाना है तो सेंटर में पौधा लगाकर UHV बेस्ड हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, एवं UHV बेस्ड शादी भी यहाँ से एक हो चुकी है और एक शादी अभी तय हुई है, एवं प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने का काम भी हम लोग परिवार सहित करते हैं। और पेड़ों की गुड़ाई, समय समय पर उनको पानी देना, और एक प्रदर्शन केंद्र के रूप में अपनी संस्थान में लगे हुए पेड़ों का रख रखाव भी हम करते हैं, और नए नए प्राकृतिक पेड़ों से प्राप्त फल फूल फली जड़ और पत्ती इन सब सब्जियां हम लोग बनाते हैं। जैसे गुलर का फल है, सूरन है, सहजन की जड़ है, पत्ती फूल है, कचनार की फली है, फूल है, ऐसे कद्दू के फूल हैं, केले का तना है, ऐसी पुरानी सब्जियां प्राकृतिक हैं जो उनके भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं। और मुझे अब हर पौधा हर पेड़ संपूर्ण प्रकृति से प्रेम का भाव आने लगा है। मैंने जब से प्रकृति की चारों अवस्थाओं में की एक दूसरे के लिए जो भागीदारी, चक्रियता और परस्पर पूरकता को समझा है, तब से सबके प्रति दया कृपा और करुणा का भाव आने लगा है। और यहाँ 1-2 घंटे हम लोग श्रम का काम भी करते हैं और संस्था की जिम्मेदारी भी हम काफी स्वीकार की हुई है मैंने। और संस्था की हर गतिविधि को देखना, यहाँ की साफ सफाई, जैसे खाना परोसना, खाना खिलाना, यहाँ तक कि खाना बनाना भी हम कर सकते हैं, तो मेरी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो यहाँ सेंटर में जब से मैं आया हूँ, मैं यहाँ आकर मुझ में बहुत बड़े सुधार, बहुत बड़े बदलाव, UHV से जुड़कर हम अब खुद को निरंतर सुखी रख पा रहे हैं। और ये सब जो हुआ है, जो UHV के माध्यम से हुआ है, इसका सारा श्रेय हमारे गुरु श्री भगवान सिंह परमार जी को है, और मैं उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूंगा जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता बढ़ाने के लिए प्रयास किया। और अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रेम विवाह किया है। प्रेम विवाह करने के पहले मैंने बहुत कोशिशें की कि ऐसा ना करना पड़े, क्योंकि समाज के नजरिए में प्रेम विवाह को अनुमति नहीं है। पुरानी परंपराओं के विचार से लव मैरिज करना गांव में अपराध होता है, लेकिन कुछ घटना होने के डर से कि कोई घटना ना घट जाए या सोसाइटी जैसा कोई कदम ना उठाए, इस डर ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरी चारों तरफ के सोचने के रास्ते बंद हो चुके थे, तो सोचा कि घर में बताना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कोई घटना घट गई तो। मुझे चारों तरफ डर सताने लगा, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी शादी के रिश्ते वाले भी आ रहे थे उस टाइम, पर उन रिश्ते वालों को मना करना पड़ता था। एक तरफ लगता था कि ठीक है, रिश्ता हो जाएगा तो ठीक है, दूसरी तरफ डर था अगर रिश्ता तय किया तो वो सुसाइड कर लेगी। तो वही प्रेम वाला रिश्ता हमें स्वीकार करने का हमने निर्णय लिया। तो मैंने सारी शर्म छोड़कर घर पर माँ पापा को बताने का निर्णय लिया। तो मैंने घर पर ये बात रखी, तो सबसे पहले सबने बहुत मना किया, ये गलत है, समाज में बदनामी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, समाज बुलाना बंद कर देगा, कहीं जेल ना जाना पड़े। तो उन्होंने स्वीकार करने से मना किया। फिर मैंने पूरे हालात बताए कि कुछ हो जाएगा तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कुछ दिन बाद पापा से मैंने जबरदस्ती सर को फोन करने के लिए कहा, क्योंकि हमें पता था कि पापा के सर से 25 साल पुराने संबंध हैं और मैं भी उनको जानता था, और मुझे भरोसा था कि सर को पापा बताएंगे तो सर इसका हल जरूर निकाल देंगे। लेकिन कॉल किया जबरदस्ती में पापा ने, तो पहले तो सर ने 1 से 1.5 साल तक बहुत बार ये सब करने को मना किया। फिर 1 साल निकलने के बाद सर ने बताया, मतलब हमने सर को बताया कि सर हालात बिगड़ सकते हैं। तो सर ने मैंने सर से कहा कि सर बहुत बड़ा वो सुसाइड जैसा कदम उठ सकता है। और सर ने खुशी से भी बात की, खुशी ने सर को चिट्ठी लिखी कि अगर आप शादी नहीं करवाते हैं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो सर ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन मैं समाज के डर से और बार बार सोचने के बाद ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या करूं।
मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं दोनों तरफ से परेशान था, तो मैं सर के यहाँ सेंटर में नौगांव आ गए। लेकिन जब खुशी को पता चला तो वो भी उसने भी फैसला किया कि मैं भी नौगांव जाऊंगी, तो उसी डर से मैं आया था, हो सकता है यहाँ रहूँ तो सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उसी ने यहाँ आने का फैसला लिया, तो मैंने उसे यहाँ आने को मना किया, पर उसने बोला कि मैं आ रही हूँ, आप वहीं मिलना, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो मैंने सर को बताया, तो सर ने बहुत कोशिश करने के बाद जला लिया एल आई सी, मेरा प्रेम विवाह कराया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक के पास हम लोग गए, पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा का आश्वासन दिया। इस तरीके से मेरी लव मेरे सर के द्वारा कराई गई और घटना घटने से बच गई। लेकिन आवेश में आके कर तो लिया था प्रेम विवाह, और करने के बाद में परिवार समाज मुझसे दूर ना चला जाए इसके पश्चाताप में मैं चला गया कि ये मैंने क्या कर लिया। और जैसे जैसे मैं यहाँ UHV से जुड़ा, तो धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए, मेरी समझ बनती गई, UHV के सहारे में बाहर निकलता गया। और प्रेम विवाह में मुझे बहुत भय, बहुत दुख और बहुत अवसादों से गुजरना पड़ा। UHV ने हम दोनों की जिंदगी बचाई, और सेंटर के कारण, UHV के कारण और सर के कारण मैं इन सब से उभर पाया हूँ, और UHV की समझ से अब मैं रचनात्मक कार्यों में लग गया हूँ। मेरी क्रियाशीलता में बहुत बड़ा अंतर आया है, मैं माँ पापा पर निर्भर ना होकर सेल्फ सोचने लगा हूँ, आत्मनिर्भर भी हुआ हूँ और प्रेम की वास्तविकता को भी समझने लगा हूँ। UHV ने मेरे जीवन में बहुत बड़े रास्ते निकाल दिए हैं। इस घटना से उभरने में UHV ने बड़ा योगदान किया है, मैं UHV के लिए कृतज्ञ हूँ एवं समस्त UHV टीम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मैं प्रभावित नहीं होता हूँ, पहले मैं बहुत प्रभावित था कि मैंने ये किया तो है, मुझे अपने मित्रों रिश्तेदारों को अब कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, तो अपने प्रकार के अर्थ, अलग अलग अर्थ देता रहता था, पर मैं अपनी सहज स्वीकृति में अब रहने लगा हूँ, प्रभाव दबाव से मुक्त होकर अपने मूल स्वभाव में भय मुक्त होकर जीने लगा हूँ। तो ये मेरी शादी की बात थी, अब मैं अभ्यास पर बात रखता हूँ। अभ्यास एक के स्टेप एक में हमें अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, जैसी चल रही है, बिना दबाव डाले, बिना कोई प्रतिक्रिया किए कैसे देखना है। इसको मैंने किया तो मैं देख पाता हूँ कि जो मेरी कल्पनाशीलता है उसमें जो मेरे भाव विचार चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं, वो सहज हैं कि असहज है, इसको मैं देख पाता हूँ। दूसरा, मेरे भाव विचार जो चल रहे हैं इसमें मैं सहज हो रहा हूँ या असहज हो रहा हूँ। पहले तो मैं असहज ही ज्यादा होता था, क्योंकि विरोध के और दुख के ही भाव चल रहे थे। और स्टेप 3 में मैंने ये देखा कि जो असहज भाव है इससे मैं दुखी हो रहा हूँ या दुखी हो रहा हूँ। तो देखा, कभी कभी जब अच्छे भाव चलते थे तो मैं अपने को सुखी मानता था, लेकिन जब भी मेरे भाव असहज चलते थे तो मैं दुखी होता था। ये सुखी दुखी होना चलता रहता था, इसको मैंने स्टेप 3 में समझा है। और स्टेप 4 में मैंने देखा कि इसका निर्णय कौन ले रहा है, बाहर की कोई परिस्थिति या कोई मान्यता या मैं स्वयं। तो जब मैंने देखा और समझा तो मुझे पता चला कि अरे, इसका निर्णय तो 100% मैं ही ले रहा हूँ, ना बाहर की परिस्थिति जिम्मेदार है ना कोई मान्यता। तो इस स्टेप से मुझ पर एक क्लियर हुआ कि मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ और कोई जिम्मेदार नहीं, इसका जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। तो स्टेप 5 में जो भाव विचार चल रहे हैं जिसमें मैं सहज असहज सुखी दुखी हो रहा हूँ, उसका आधार क्या है, सही समझ है, मान्यता है या कोई बाहर की परिस्थिति। तो मैंने देखा कि सहज स्वीकृति ही इसका आधार है। और स्टेप 6 में मुझे सहज स्वीकार क्या है, संबंध में रहना, विरोध में रहना, या व्यवस्था में रहना, या अवस्था में रहना, और सहजत्व में रहना या संघर्ष में रहना। तो मेरी स्पष्टता बनी कि मुझे सहज रूप से संबंध, व्यवस्था और सहजत्व में रहना ही सहज स्वीकार है। तो यहाँ मैं संकल्प ले लेता हूँ कि गहरे से इसको समझने में और ज्यादा समय लगाऊंगा। तो इसका स्टेप 7 है, संबंध, व्यवस्था, सहअस्तित्व ही मेरी मूलभूत आवश्यकता है और इसी में मेरा जीना हो रहा है। अब अभ्यास 2 का स्टेप 1 है, मैं या सेल्फ या और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अलग अलग है। शरीर के लिए हमें सुविधा, भोजन, मकान इत्यादि चीजों की, जैसे हवा पानी की आवश्यकता पड़ती है। चैतन्य की जो आवश्यकता है वो भाव विचार के रूप में है। दोनों की आवश्यकताएं हमें अलग अलग दिखते हैं।
और इसका स्टेप दो है, शरीर और चेतन दोनों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो संवेदनाओं के माध्यम से होता है। और मैं जिस संवेदना को चाहता हूँ उसे पढ़ता हूँ, जिस संवेदना को नहीं चाहता उसको नहीं पढ़ता। इसका निर्णय मेरा ही है, मैं चाहूँ तो पढ़ूँ, मैं चाहूँ तो नहीं पढ़ूँ। और इसका स्टेप 4 है, मेरी संवेदना और शरीर तीनों के बीच में एक निश्चित दूरी बनी हुई है। और स्टेप 5 है, बाहर से आई हुई सूचना और मेरा निर्वाह। सही स्वभाव से अगर सही समझ के आधार पर निर्वाह करता हूँ तो वो अर्थ हमें स्वतंत्र करता है। और अगर मैं उसे विरोध के रूप में प्रतिक्रिया पूर्वक या समझ के अभाव में अर्थ देता हूँ तो वो मुझे परतंत्र करता है। और स्टेप 6, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव और मेरा निर्वाह। मैं अगर जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ या अर्थ देता हूँ तो मैं सुखी रहता हूँ, और मैं प्रतिक्रिया पूर्वक अर्थ देता हूँ या विरोध पूर्वक अर्थ देता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। इसका स्टेप 7 है, मैं भी शून्य में बना हुआ हूँ, मेरा शरीर भी शून्य में बना हुआ है। दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, दोनों के बीच में दूरी है, और संवेदनाओं के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। शरीर सेल्फ के लिए या मेरे लिए एक उपयोगी साधन है। मैं तो अभ्यास पर मेरी इतनी समझ बनी है, तो आगे प्रयास जारी है। मेरी बात पूरी हुई, लेकिन मेरे यहाँ बेटा हुआ है तो खुशी शेयर नहीं कर पाएगी, और मेरी अपेक्षा है कि आप लोग नामकरण करने में सहयोग करें, क्योंकि वो यूएचबी सेंटर में पैदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यूएचबी टीम ही उसका नामकरण करे। कुमार भैया और शर्मिला दीदी, यशवंत भैया, समस्त यूएचबी टीम के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। पहले शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी संदीप भाई के शेयरिंग के बारे में हमें गाया। तो बहुत ही अच्छा लगा सबकी शेयरिंग सुन के, और जैसा कि भगवान जी कह रहे थे और रशपाल जी ने भी कहा, और सब शेयरिंग से भी काफी क्लियर हुआ कि जब पूरा परिवार इसमें जुट जाता है, जब पूरा परिवार लग जाता है, तो कैसे ये ना ये पूरा जो नॉलेज है, ये पूरा जो प्रोसेस है, विचार से आगे एक्सपीरियंस में निकल कर आता है, और कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, मतलब सबके लिए ये एक माध्यम है जिससे कि हम अपने जीवन को संवार सकें, हम अपने अपने सुख को खुद सुनिश्चित कर पाएं, और साथ ही औरों के लिए भी सहायक हों इस प्रोसेस में। तो हम लोग सबके लाइफ में कोई होंगे ऐसे आसपास हमारे जो इस नॉलेज से, इस सब से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं, अगर हम इसका ध्यान रखें और हम उस पे थोड़ा ध्यान देके उनको इन्वॉल्व करें, तो कितने लोगों की सहायता हो सकती है, और कितने और लोग मतलब अपने अपनी लाइफ में इस बात को देख पाएंगे और एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया लगा, शेयरिंग बहुत ही बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और भगवान जी भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।